दोस्तों आज 29 दिसंबर का पेपर हो गया है, स्टूडेंट छूट चुके हैं। अब मिलाते हैं हम सर से, देखते हैं सर का कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो सर आज का पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा पेपर जी। कैसे क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन तो थोड़े तार्किक थे, रीजनिंग टाइप के थे और मेंटली पे थे। अगर उनको जो समझेगा वही सॉल्व कर पाएगा। साइको में पेपर मतलब जो कथन दिए गए थे वहाँ से आए थे या पियाजे वगैरह जो दिए गए थे? नहीं, पियाजे से एक संबंधित आए थे, नोम चोम्स्की काफी आए थे। नोम चोम्स्की आए थे और क्रेशन इस बार नहीं आए थे। मैथ का पेपर कैसा आया था, न्यूमेरिकल में कैसे? मैथ का पेपर प्राइमरी लेवल का बहुत अच्छा आया था, जो अच्छे से पढ़ा वो सॉल्व कर लेगा आसानी से। जी जी। आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था सर? सेकंड लैंग्वेज हमारा इंग्लिश था जी। इंग्लिश में जो पैसे आए थे कैसे थे सर? पैसे अच्छे थे, एडिशन से जुड़ा हुआ आया था जो कि हम लोगों ने पहले से ही जानते हैं अच्छे से, और आए थे लाइब्रेरी से जुड़े हुए जी। जो हिंदी में क्वेश्चन आए थे पैसे आया था, कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आया था जो कि बहुत अच्छा था। यस सर। तो तरह पेपर आपका? बढ़िया था पेपर। साइको वगैरह जो है सर कैसे थी? पेपर मॉडरेट था, इजी नहीं था जी। और जो हिंदी और इंग्लिश में जो पैसे जाते हैं कैसे? पैसेज बहुत सिंपल था। पैसेज इंग्लिश में जो पिछली कल बता रहे थे स्टूडेंट बहुत लंबे पैसे जा रहे हैं तो नहीं, सिंपल था पैसेज, दोनों सिंपल था। बट वो ईवीएस में मतलब थोड़ा टिपिकल था, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। ऑप्शन 1, 2, 3 वो ऑप्शन चेंज कर रहा है सारे क्वेश्चन में। 1, 2, 3, 4 है तो ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 4 सही, ऐसे मतलब कोट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ सेम। चलिए मेरा पेपर हिंदी और इंग्लिश में था सर। ग्रामर जो आती थी वो आया था क्वेश्चन ग्रामर से जो कर सकता है अच्छा। चलिए दूसरे लोग से मिलाते हैं आपको, कैसा था भैया? अच्छा था पेपर। कैसा लगा पेपर देखे? जो इजी था, इजी था। हाँ, एकदम मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, एकदम इजी, मॉडरेट लेवल का था। साइको में जो कथन वगैरह हैं, जो पियाजे हो गया, पियाजे साया था, थंडाइक्स तो नहीं दिखने को मिला लेकिन पियाजे साया था। और जो बुद्धि है या व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है, इससे आया था, एक एक क्वेश्चन आया था इससे। जो सर मापन एवं मूल्यांकन है साइको में, यहाँ से आए थे क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन आया था बस, उससे ज्यादा नहीं आया। सर मैथ में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे या पेडोलॉजी वाले थे कैसे थे? मतलब सही थे, मैथ वाले जो भी थे ज्यादा टफ नहीं थे, सिम। और हिंदी में सर जो पैसेज आया था दो हिंदी में, वो कैसा था? वो सही था बस, एकदम नॉर्मल पैसेज था, बस थोड़ा इंग्लिश के पैसेज में थोड़ा था दिक्कत। इंग्लिश में लॉन्ग था पैसेज या लॉन्ग पैसेज था? दोनों लॉन्ग पैसेज था। अपोजिट उसका पूछा था और वर्ब पूछा था, कौन से वर्ब है, कौन से एडजेक्टिव है, वो सब पूछा था बस। चलिए तो सर का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सर जो आगे पेपर देना चाहेंगे उसके लिए आप क्या आगे कहेंगे, कैसे करेंगे कि ज़्यादा परेशान न हो, पेपर एकदम इजी आ रहा है, बस थोड़ा सा तैयारी करें अपना, सही से बस हो गया। थैंक यू सर। उसे सर पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ सर। करचे सर जो साइको में क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे? लमसम एवरेज टाइप, एवरेज। और जो सर ईवीएस में सर बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए थे सर? ईवीएस में जनरली इकोसिस्टम से क्वेश्चन आए थे, इकोसिस्टम से आए थे और कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं जो सर हिंदी में दिया इंग्लिश में। बाकी टीचर्स के भी कई क्वेश्चन थे कि अगर आप टीचर हैं मतलब, और आपको ईवीएस क्लास में कोई भी बच्चों कैसे समझाएंगे, मतलब शिक्षण के ज्यादा क्वेश्चन थे जो परिवार वगैरह मित्र वगैरह ये फॉर्म दिए हुए नहीं थे। ये था थोड़ा थोड़ा। और बाकी तो मैथ्स भी आसान था, मैथ्स में भी जनरली आपका पॉइंट का डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन था। शुरू में 15 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथमेटिक्स थी और उसके बाद जो 15 क्वेश्चन थे वो पैथोलॉजी से रिलेटेड थे। जैसे कि मैथ्स के टीचर हैं तो आप मतलब क्या क्या जो 15 क्वेश्चन थे सर कैसे थे, मतलब कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे जनरली, मतलब सॉल्विंग वाले प्रॉब्लम्स थे, मतलब सॉल्व करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन एडिशन के भी थे, जैसे कि एक था कि क्या कहते हैं 1/16 कितने टाइम्स जोड़ेंगे तो मतलब वो बन जाए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सो प्रीवियस ईयर पेपर था, बिल्कुल ट्रेन से थे। और हिंदी में तो सबसे अच्छा ये था कि पूरा पैसेज ही आया, सब कुछ बन बस कायर मत बन, सिर पर पार पटक पट माथा, ये पूरा पैसेज। जो सर आगे पेपर देना चाहते हैं स्टूडेंट वो कैसे तैयारी करें कि अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर लें और बात के जो क्वेश्चन बात में टाइम बचे उसको थोड़ा रिवीजन में दें। जी जी। और बाकी यही है कि क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब कि पेडोलॉजी पे थोड़ा ध्यान। अच्छा था, बहुत अच्छा था पेपर। जो साइको वगैरह थी कंटेंट में था या बिल्कुल? बिल्कुल कंटेंट में था, एकदम बहुत मस्त पेपर था। मतलब जो बस लैंग्वेज का थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में थोड़ा
उसमें पेपर में प्रॉब्लम थी, थोड़े गलत थे ऑप्शन, मैच नहीं कर रहे थे इंग्लिश से हिंदी में, मतलब वो जो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ हाँ, हिंदी बच्चों दोनों लैंग्वेज देखनी पड़ दोनों देखने पड़ रहे थे। जो मैथ में क्वेश्चन आए थे मेरिकल 15 या 15 पे डाला कि क्या 15 ही क्वेश्चन थे, मतलब श्योर था जो? हाँ, श्योर श्योर 15 पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आया एकदम, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो बिल्कुल मैच कर रहे थे पेपर प्रीवियस ईयर से, लगभग क्वेश्चन एक दो ऐसे थोड़ी ना कि पूरा थोड़ी ना मैच करेंगे, जो मतलब पीछे आगे स्टूडेंट पेपर देंगे उसके लिए क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट कैसे अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं? बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और क्या, और उसके बाद सबका अपना तैयारी होती है सीटेट के हिसाब से। अभी हम लोग दे रहे एग्जाम तो हम लोग क्या ही पता होगा कि। चलिए थैंक यू मैम। तो दोस्तों हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है सीटेट जो दिसंबर 19 वाला हुआ है, 29 वाला हुआ है, तो दिखाते हैं जो साइकोलॉजी में क्वेश्चन आए थे वो पियाजे हो। आपका पेपर कैसा हुआ सीटेट का? सीटेट का पेपर सब अच्छा गया, सीडी भी बहुत अच्छी आई थी। और मैथ कैसा आया? मैथ भी था अच्छा ही था, लेकिन अब जो पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा ही है। ईवीएस में जो चूचू करी थी, आई चिड़िया वगैरह? हां नहीं, चिड़िया वाला सब अच्छा था, उसमें एक फल का दिया था, हमने अदरक वाला लगाया है साल वो है, लेकिन सही है वो भी लग रहा है। आपका संस्कृत था? मेरा इंग्लिश था, इंग्लिश का पैसे सही आया था, बट एक जो पोएट्री वाली थी वो थोड़ा डिफिकल्टी था, और एक जो पैसे था वो औरंगजेब का वो बहुत अच्छा था, उसको मैंने अच्छे से किया है। में जो पढ़ा लागी आई? हाँ बहुत अच्छा था, हिंदी पढ़ा लागी, सीडी टू दोनों अच्छी आई। जो पैसे जाए थे हिंदी या इंग्लिश में पैसे? हिंदी के पैसे अच्छे थे, बट इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट था, करने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे जो स्टूडेंट पेपर देंगे उसके लिए थोड़ा कैसा बोलेंगे, कैसे स्टूडेंट तैयारी करेंगे आगे अच्छा पेपर हो? कब आएगा भाई? अभी आ जाएगा, लाइव हो रहा है क्या? अभी लाइव थोड़ा नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। दोस्तों आज 29 दिसंबर का पेपर हो गया है, स्टूडेंट छूट चुके हैं, अब मिलाते हैं हम सर से, देखते हैं सर का कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो सर आज का पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा पेपर जी। कैसे क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन तो थोड़े तार्किक थे, रीजनिंग टाइप के थे, और मेंटली पे थे, अगर उनको जो समझेगा वही सॉल्व कर पाएगा। साइको में पेपर मतलब जो कथन दिए गए थे वहाँ से आए थे या पियाजे वगैरह जो दिए गए थे? नहीं, पियाजे से एक संबंधित आए थे, नोम चोम्स्की काफी आए थे, नोम चोम्स्की आए थे, और क्रिएशन इस बार नहीं आए थे। मैथ का पेपर कैसा आया था, न्यूमेरिकल में कैसे? मैथ का पेपर प्राइमरी लेवल का बहुत अच्छा आया था, जो अच्छे से पढ़ा वो सॉल्व कर लेगा आसानी से। जी जी, आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था सर? सेकंड लैंग्वेज हमारा इंग्लिश था जी। इंग्लिश में जो पैसे आए थे कैसे थे सर? पैसे अच्छे थे, एडिशन से जुड़ा हुआ आया था, जो कि हम लोगों ने पहले से ही जानते हैं अच्छे से, और आए थे लाइब्रेरी से जुड़े हुए जी। जो हिंदी में क्वेश्चन आए थे पैसे आया था, कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आया था, जो कि बहुत अच्छा था। यस सर। तो कैसा मतलब जो आगे पेपर देंगे स्टूडेंट, आप उनके लिए कैसे तैयारी करने के लिए थोड़ा सा सजेशन कैसे देंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि तनाव कम लें और नॉर्मल तरीके से तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, इससे उनके लिए बहुत बाधाएं नहीं आएंगी, आसानी से निकाल लेंगे। अच्छे से पढ़ें, देखें क्वेश्चन को, तब आंसर दें। सर पेपर का मॉडल कैसा था, मतलब इजी था, हार्ड था, या कैसा फील हुआ आपको? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट हाँ, नॉट मॉडरेट टू हार्ड। ओके सर, मिलकर कैसा रहा आज? अच्छा रहा। कैसे क्वेश्चन आए थे सर साइको वगैरह में? साइको में जी जी, साइको में जो पढ़ा लगी जो जो पियाजे वाइगोत्स्की थर्नडाइक से, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया था जी जी, और कोहलबर्ग से भी एक आया था जी जी, मैथ वैथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे तो आसान क्वेश्चन थे जी। अब याद नहीं है मैं क्या बताऊं, पर आसान क्वेश्चन थे। नहीं वही मतलब कैसा लगा पेपर, मॉडरेट? पर मुझे तो मॉडरेट था। चलिए सर हम दूसरे कैंडिडेट से मिलाते हैं। अच्छा था, कैसा लगा पेपर देखे? अच्छा लगा। मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सभी सेक्शन से थे, पियाजे से 3-4 क्वेश्चन थे जी जी, और वाइगोत्स्की से भी थे, लॉरेंस कोहलबर्ग से थे। जो आपका सेकंड लैंग्वेज सर क्या था? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था हमारा। इंग्लिश कैसे, दो हिंदी और इंग्लिश में पैसे जाए थे, कैसे पेपर? पैसे बेहद आसान थे, आसान पैसे से हिंदी के इंग्लिश के भी सही थे, ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल था जी। जो हिंदी में था वो पर्यायवाची वगैरह जो संधि ये सब नहीं था? ये सब नहीं था, नहीं था बिल्कुल, मतलब ग्रामर बिल्कुल नहीं आ रही है? ग्रामर आ रही है, लेकिन मतलब वो एक दो ही आ एक रही दो, है। दो, दो, दो
चलिए हम दूसरे लोगों से मिलाते हैं। कैसा था आपका पेपर आज? सही था। कैसा लगा पेपर देखे? साइको वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए थे? साइको का क्वेश्चन सही था लेकिन इंग्लिश हार्ड आया था इस बार। इंग्लिश हार्ड आया था, चलिए ठीक है। दूसरा कैसा रहा आपका पेपर आज का? बढ़िया था। सर आप पेपर आपका? बढ़िया था पेपर। साइको वगैरह जो है सर कैसी थी? पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था, इजी नहीं था जी। और जो हिंदी और इंग्लिश में जो पैसे जाते हैं कैसे? पैसेज बहुत सिंपल था। पैसेज इंग्लिश में जो पिछली कल बता रहे थे स्टूडेंट बहुत लंबे पैसे जा रहे हैं तो नहीं, सिंपल था पैसेज, दोनों सिंपल था। बट वो ईवीएस में मतलब थोड़ा टिपिकल था, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। ऑप्शन 1, 2, 3 वो ऑप्शन चेंज कर रहा है सारे क्वेश्चन में। 1, 2, 3, 4 है तो ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 4 सही, ऐसे मतलब कोट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ सेम। चलिए मेरा पेपर इजी नहीं था। मॉडरेट पेपर इजी नहीं था। मॉडरेट आपका ठीक था, यही CDP और EVS थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन। घुमावदार मतलब फैक्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? फैक्ट में आ रहा है कुछ ज्यादा नहीं। जो कथन थे कि स्किनर ने कहा ये बात, क्रो एंड क्रो ने कहा, पियाजे ने कहा। हाँ पियाजे वाला थोड़ा कठिन था। और कहाँ से जो थार्नडाइक अधिगम के जो सिद्धांत वगैरह हैं सर, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? यही EVS में जो ये विटामिन वगैरह बारे था जी सर, ये थोड़ा हार्ड था। EVS में ज्यादा हार्ड था, जो पढ़ा लागे EVS की आई थी। हाँ वो सही थे। आपकी सेकंड लैंग्वेज सर क्या थी? इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश के पैसे सर कैसे लगे? इंग्लिश या हिंदी के दो पैसे जाते हैं? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। जो हिंदी और इंग्लिश में था सर, ग्रामर जो आती थी वो आया था क्वेश्चन ग्रामर से जो? हाँ ग्रामर से आए थे। तो आप जो नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट जो 7 से स्टार्ट होगा, क्या उनके लिए सजेशन बोलेंगे, कैसे तैयारी करें कि वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? वो फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए मैथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वाले जो 15 आते हैं, 15 पेडागॉजी, क्या 15 थे मैथ में न्यूमेरिकल? हाँ मैथ में बढ़िया थे, न्यूमेरिकल भी थे बढ़िया और पेडागॉजी बढ़िया थी। पेडागॉजी जो थी वो आपके मतलब अच्छे से समझ में आ रहे हैं? हाँ समझ में। जो स्टूडेंट पढ़ा है वो स्कोर कर सकता है अच्छा इसका मतलब। यस यस। चलिए दूसरे लोग से मिलाते हैं आपको। कैसा था भैया? अच्छा था पेपर। कैसा लगा पेपर देखे? जो इजी था। इजी था एकदम, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, एकदम इजी मॉडरेट लेवल का था। साइको में जो कथन वगैरह हैं, जो पियाजे हो गया, पियाजे साया था, थंडाइक्स तो नहीं दिखने को मिला लेकिन पियाजे साया। और जो बुद्धि है या व्यक्तित्व तो है या पर्सनालिटी है? हाँ इससे आया था, एक एक क्वेश्चन आया था इससे। जो सर मापन एवं मूल्यांकन है साइको में, यहाँ से आए थे क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन आया था बस, उससे ज्यादा नहीं आया। सर मैथ में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे या पेडागॉजी वाले थे कैसे थे? मतलब सही थे, मैथ वाले जो भी थे ज्यादा टफ नहीं थे, सिम। और हिंदी में सर जो पैसे आया था दो हिंदी में, वो कैसा था? वो सही था बस, एकदम नॉर्मल पैसे था बस, थोड़ा इंग्लिश के पैसे में थोड़ा था दिक्कत। इंग्लिश में लॉन्ग था पैसे या लॉन्ग पैसे था? दोनों लॉन्ग पैसे था। अपोजिट उसका पूछा था और वर्ब पूछा था, कौन से वर्ब है, कौन से एडजेक्टिव है, वो सब पूछा था बस। चलिए तो सर का पेपर बहुत अच्छा हुआ है सर, जो आगे पेपर देना चाहेंगे उसके लिए आप क्या आगे कहेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कि ज़्यादा परेशान न हो, पेपर एकदम इजी आ रहा है, बस थोड़ा सा तैयारी करें अपना सही से, बस हो गया। थैंक यू सर। उसे सर पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ सर। कर्चे सर जो साइको में क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे? लमसम एवरेज टाइप। एवरेज। और जो हिंदी थी? हिंदी तो काफ़ी, हिंदी में सर कल बता रहे थे लोग पैसे थोड़ा लॉन्ग थे, तो आज का क्या? आज का पैसे तो सिंपल था, पैसे शॉर्ट था। शॉर्ट। जो मैथ में न्यूमेरिकल थे 15 पेडा लगी, तो क्या 15 दोनों आ रहे हैं सर? हाँ लगभग उतने ही सब है। पेडोलॉजी, हाँ पेडोलॉजी फिर भी सिंपल थी। जो EVS में चूचू चिड़िया वगैरह परिवार भोजन, इससे कुछ नहीं आया था। थैंक यू सर। सर आपका पेपर कैसा हुआ सर? बढ़िया हुआ सर। सर पेपर देखे कैसा फील हो रहा है? पेपर देखे सही हो रहा है, लेकिन बस ये है कि ये टाइल डेवलपमेंट का जी था, पेडोलॉजी का ये थोड़ा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए थे लगभग काफ़ी डिफरेंट थे, जितना पढ़ा गया था उससे काफ़ी डिफरेंट था। और मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन जो थियोरेटिकल थे और न्यूमेरिकल थे वो सही थे। EVS भी सही था, पुराने क्वेश्चन से कुछ पैटर्न मिल रहे थे उसमें से। और इंग्लिश तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सर, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सर। इंग्लिश में जो पैसे आया था कल वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बहुत लॉन्ग पैसे आया था, 3-4 हाँ सर, हाँ हाँ है सर, वो तो आता ही ना, 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज रहता है जी जी। तो वो सही थे क्योंकि जो हिंदी का जो पैटोलॉजी होती है, मतलब भाषा विकास होता है वो, और ये सेम ही आता है सब, मतलब सेम ही रहता है, बस वो इंग्लिश में रहता है, हिंदी में रहता है सर। सर आपका पेपर कैसा हुआ सर? अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ, ठीक है। कैसा सर साइको वगैरह जो थी आपको, जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के आ सर? सिलेबस मैं जो सचिन सर का वीडियो देखता हूँ, मैराथन देख के आया था, उसमें से मतलब 3-4 क्वेश्चन, जैसे मैथ का आता है ना, ऑप्शन लिख बताएं हम आपको, ये जैसे ये है ना कि एक गुड़ते
एक एक उल्टे एक मतलब इसका बराबर क्या होगा, तो सचिन सर बताया था उसमें से क्या कहते हैं पलट कर दीजिए, तो पलट कर दी, उसमें अंक नहीं आया था, 9 आया था आंसर देखे। और उसके क्या कहते हैं सिटी वे में और आया था जैसे कि जो बुद्धि वगैरह है, हाँ बुद्धि से आया था, और हाँ व्यक्तित्व से आया था, क्या कहते हैं हार्डन का आया था, चमस्की का आया था जी जी, और क्या कहते हैं जो हिंदी में सर था पैसे दो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत अच्छा आया था, राष्ट्रीय पे आया था, कहते हैं हरा रंग किसका प्रतीक है जी जी जी, और क्या कहते हैं बहुत हाँ वो बहुत सरल था पैटर्न, पैसे बहुत सरल था, और इंग्लिश का टफ था, उसमें उसमें डिसलेस किया। सर सर आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ सर। कैसा मतलब कैसे क्वेश्चन आए थे हिंदी साइको या मैथ? साइको के जैसे कि जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पे आज हो गया, चॉम्स्की हो गए, और जो अधिगम के सिद्धांत थार्नडाइक वगैरह हैं, इसके नाम नहीं इनके तो क्वेश्चन है जीन पे आज, और ये सब ज्यादा देखने को मिले हैं, और जैसा कि पेडागोजी आता ही है जी जी, और मैथ में हो गया, और ईवीएस में एक टाइम टेबल से आया गया जी जी, और आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी या हिंदी? इंग्लिश थी सेकंड लैंग्वेज। हिंदी में ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, तो ग्रामर के पेडागोजी सभी दो संध्याएं थी जी, बाकी हिंदी बहुत इजी थी, बाकी प्रीवियस ईयर मैक्सिमम मिल रहा है, चॉम्स्की से 3 लेटर आया था, यूनिवर्सल ग्रामर से लेटर था, संधि भी सर उसमें था, क्या बोलते हैं कि साइको में जो था ये फैक्ट आ रहा है या मतलब घुमाऊ आ रहा, बस वैसे आ रहा है, दो चार क्वेश्चन घुमा के दे रहा, बाकी सब प्रीवियस कल की अपेक्षा थोड़ा हार्ड प्रीवियस। और कल सर स्टूडेंट बता रहे थे इंग्लिश का मतलब पैसे 3-4 स्लाइड में था, हाँ इंग्लिश जो इंग्लिश का पैसे हाँ टफ था थोड़ा इस बार, जो काफी बड़ा था, और हिंदी का जो पैसे था वो बिल्कुल आसान था। सर कल प्रीपोजिशन वगैरह पूछे गए थे इंग्लिश में पैसे में, आज इस बार पैसे इंग्लिश के थोड़ा टफ है, बाकी चुमसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में देखा गया सर। सर ईवीएस में सर बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए थे सर? ईवीएस में जनरली इको सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, इको सिस्टम से आए थे, और कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं जो सर हिंदी में दिया इंग्लिश में, बाकी टीचर्स के भी कई क्वेश्चन से कि अगर आप टीचर हैं मतलब और आपको ईवीएस क्लास में कोई भी बच्चों कैसे समझाएंगे, मतलब शिक्षण के ज्यादा क्वेश्चन थे जो परिवार वगैरह मित्र वगैरह ये फार्म दिए हुए नहीं थे। ये था थोड़ा थोड़ा, और बाकी तो मैथ्स भी आसान था, मैथ्स में भी जनरली आपका पॉइंट का डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन था, शुरू में 15 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथमेटिक्स थी, और उसके बाद जो 15 क्वेश्चन थे वो पैथोलॉजी से रिलेटेड थे, जैसे कि मैथ्स के टीचर हैं तो आप मतलब क्या क्या जो 15 क्वेश्चन थे सर कैसे थे, मतलब कि स्टूडेंट तो समझ में आ रहा था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे जनरली, मतलब सॉल्विंग वाले प्रॉब्लम्स थे, मतलब सॉल्व करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन एडिशन के भी थे, जैसे कि एक था कि क्या कहते हैं 1/16 कितने टाइम्स जोड़ेंगे तो मतलब वो बन जाए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सो प्रीवियस ईयर पेपर था, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेन से भी क्वेश्चन ट्रेन से थे, और हिंदी में तो सबसे अच्छा ये था कि पूरा पैसेज ही आया, सब कुछ बन बस कायर मत बन, सिर पर पार पटक पट मत था, ये पूरा पैसेज जो सर आगे पेपर देना चाहते स्टूडेंट वो कैसे तैयारी करें कि अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर लें, और बात के जो क्वेश्चन बात में टाइम बचे उसको थोड़ा रिवीजन में दें जी जी, और बाकी यही है कि क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब कि पैडोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दें, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो सबके आसानी से हो जा रहे हैं, तो जो पैडोलॉजी क्वेश्चन है थोड़ा उसको मतलब याद करें, बाकी ये है कि चीज़ों को थिंक करके ज़्यादा कर लेंगे तो चीज़ें पेपर आसान हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपका पेपर था सर? सर पेपर अच्छा गया है, ठीक ठाक, बस थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी सर, लैब में जो माउस रखे थे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे सर। ये तो सर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सर हो जाती है, बट यहाँ पे टाइमिंग काफी दी जाती है सर। टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट में चूंकि हम लोग अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को तो एक घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जो साइको में सर क्वेश्चन आए थे, साइको में जो खतन दिए गए थे थार्नडाइक पियाजे स्किनर वगैरह जो बुद्धि, यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे सर? हाँ सर क्वेश्चन तो आ रहे हैं ढेर सारे, अगर इनके लिए तो क्या होता है बेसिक आप यूट्यूब की क्लासेस भी कर सकते हैं सर जी जी। और अगर आप चाहें तो हम लोग ढेर सारे कंपटीशन के टेस्ट वाले ऐप भी चलते हैं, तो आप टेस्ट से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सर पढ़ने में क्या होता है हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं, बट जब टेस्ट देते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं पहली चीज़। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, दूसरे से मिलाते हैं। मैम कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा था, बहुत अच्छा था। पेपर जो साइको वगैरह थी कंटेंट में था या बिल्कुल? बिल्कुल कंटेंट में था, एकदम बहुत मस्त पेपर था, मतलब जो बस लैंग्वेज का थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में थोड़ा उसमें पेपर में प्रॉब्लम थी जी जी। थोड़े गलत थे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे इंग्लिश से हिंदी में, मतलब वो जो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ हाँ हिंदी बच्चों दोनों लैंग्वेज देखनी दोनों देखने पड़ रहे थे,
जो मैथ में क्वेश्चन आए थे मेरिकल 15 या 15 पेटालॉजी, क्या 15 ही क्वेश्चन थे, मतलब श्योर था जो? हाँ, श्योर श्योर 15 पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आया एकदम, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो बिल्कुल मैच कर रहे थे पेपर प्रीवियस ईयर से, लगभग क्वेश्चन एक दो ऐसे थोड़ी ने कि पूरा थोड़ी ना मैच करेंगे। जो मतलब पीछे आगे स्टूडेंट पेपर देंगे उसके लिए क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट कैसे अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं? बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करें और क्या, और उसके बाद सबका अपना तैयारी होती है सीटेट के हिसाब से। अभी हम लोग देर रहे एग्जाम तो हम लोग क्या ही पता होगा कि। चलिए थैंक यू मैम। तो दोस्तों हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है सीटेट जो दिसंबर 29 वाला हुआ है, तो दिखाते हैं जो साइकोलॉजी में क्वेश्चन आए थे वो पियाजे हो गया और जो चॉम्स्की हो गया, अधिगम के जो सिद्धांत हो गए और बुद्धि हो गया, यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे। और देखते हैं मैथ में जो 15 पेडोलॉजी और 15 न्यूमेरिकल आते हैं ये दोनों बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। आपको 15 न्यूमेरिकल वाले भी इजी क्वेश्चन आए थे, आपको हम रिव्यू में दिखा चुके हैं, और जो 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी के आए थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही थे। और हिंदी में देखते हैं, हिंदी में जो पैसेज आया था बिल्कुल नॉर्मल आया था, लोग बता रहे हैं कि संधि वगैरह से आ रही है क्वेश्चन, जो वर्णमाला वगैरह ये सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, आप लोग इसकी तैयारी आगे कर लीजिएगा। जो ईवीएस में आया था, ईवीएस में जो फैक्टुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे। और जो देखते हैं कि जो इंग्लिश में लैंग्वेज था वो कल की अपेक्षा आज का इंग्लिश का जो पेपर था वो ईजी था, जो प्रीपोजिशन था यहाँ से क्वेश्चन नहीं, और एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखते हैं जो सेकंड लैंग्वेज हो गया, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं और इससे डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। तक नहीं पूछे गए हैं, आप लोग इसकी तैयारी आगे कर लीजिएगा। जो ईवीएस में आया था, ईवीएस में जो फैक्टुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे। और जो देखते हैं कि जो इंग्लिश में लैंग्वेज था वो कल की अपेक्षा आज का इंग्लिश का जो पेपर था वो ईजी था, जो प्रीपोजिशन था यहाँ से क्वेश्चन नहीं, और एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखते हैं जो सेकंड लैंग्वेज हो गया, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं और इससे डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।